साइबर सिटी गुरुग्राम के धनवापुर इलाके में देर रात खूनी संघर्ष देखने को मिला, जहां नवनिर्मित पार्षद नवीन दहिया के गैंगस्टर भाई ने अपने साथियों के साथ मिलकर पड़ोस में रहने वाले दिनेश दहिया के परिवार पर जानलेवा हमला कर दिया। हमला इतना भयानक था कि घायल दिनेश दहिया के परिवार के आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। हमलावर लाठी डंडों और हथियारों से लैस थे। जमकर उत्पात मचाते हुए हमलावरों ने गोलियां भी दागी। इस घटना के दौरान घायल हुए लोगों के परिजनों ने आरोप लगाया है कि पड़ोस के रहने वाले पार्षद नवीन दहिया के परिवार सहित दर्जनों बदमाशों ने उनके घर पर अचानक पथराव करना शुरू कर दिया। जब उन्हें रोकने का प्रयास किया गया तो हमलावर ने दिनेश दहिया के घर में घुसकर उनके परिवार के लोगों के साथ लाठी डंडों से मारपीट की और कई राउंड फायर भी किए। सर मैं इस कॉलोनी में था अपने ऑफिस में, किसी कॉलोनी वाले के मेरे पास फोन आया, बोला भाई आपके भाई के हाथ पैर तोड़ दिए दिनेश दहिया के, और गांव के ये आदमी थे, ये जिसने तोता का है वो गैंगस्टर, इसका भाई नवीन दहिया और ये पौआ सबसे मेन है, और एक बूढ़ी है जिसका मनीष नाम है, और ये लंबू और एक सन्नी डोगरा जिसने बोला जी, और जीतू और जी, वैसे मैं खड़े के नाम से नहीं शक्ल से पहचानता हूँ, पूरी गैंग थी 40-50 आदमी की। वहाँ से फिर हमें जैसे पहुंचा तो बोला आपका भाई तो हॉस्पिटल जा लिया, तो यहाँ आया तो भाई का फोन आया, बोला घर पे वारदात कर दी, इन्होंने गोली चला रखी है। मैं बोला भाई अपने देख के थोड़ा साइड में हो जाओ, एक कहते जी बुरा हाल कर रखा है, यहाँ भी देखो गाड़ियों क्या हाल कर रखा है। कितने बजे घटना जब वहाँ पे झगड़ा हुआ था साहब? टाइम मेरे उस टाइम 8 बजे, मैंने टाइम नहीं देखा जी, 8 बजे हाँ मैंने टाइम नहीं ध्यान दिया, क्योंकि भाई के छोड़ घर पे आया तो घर पे देखा था जी, इन्होंने फायरिंग कर रखी है जी, बड़े बुरा हाल कर रखा जी हमारा। हाँ यहाँ जी कई चोट लगी, हमारी चाची के चोट लगी है, भाइयों का भतीजे का चोट लगी जी, काफी चोट लगी। कारण क्या था, किस वजह से? सर कोई कारण नहीं, ये बदमाश है, पूरा गांव इनसे दुखी है, किसी को काम करने नहीं देते, घर से निकलने नहीं देते, जब देख के गाड़ी उड़ा देते हैं, बदमाशी दिखा रहे हैं। सर मैं आगे से आ रहा था जी, आगे से चाचा आ रहे थे मेरे, इन्होंने बीच में मेरे को रोका, गाड़ी ग्लोच किया मेरे साथ, लपटम झपटम हुई, चाचा को सर इन्होंने डंडों से मारा, ईंट पत्थर मारे इनके ऊपर, सर फिर इन्होंने फायरिंग चालू कर दी। सर फायर कम से कम 40-50 फायर हुए सर। कितने लोग थे? सर ये लोग थे 15-20 लोग। आप लोगों ने बचाव की भी कोशिश की? जी बचाव की बिल्कुल कोशिश की थी। आपने भी अपने बचाव में कोई आपस में कोई पथराव वगैरह? जी पथराव वाला का बहुत किया था सर, फिर हम चले गए थे जी। अच्छा अभी कौन कौन घायल है आपके परिवार से? जी फादर जी मेरे, चाचा जी घायल है, दादी जी नगरी जी। गोली चलने से चकनाचूर हुई गाड़ियां और ईंट पत्थरों की ये खामोशी उस भयानक मंजर को बयां कर रही है, जिसकी गवाही देने को धनवापुर गांव का कोई बाशिंदा तैयार नहीं है। तस्वीरों को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे गाड़ियों का इस्तेमाल दो परिवारों ने एक दूसरे को कुचलने के लिए किया हो, और घटना के सबूत मिटाने की जरूरत ना पड़े तो पहले ही गली में लगे सीसीटीवी कैमरों को भी तोड़ दिया गया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही तुरंत गुरुग्राम पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया। हमें अराउंड 8:30-9 के आसपास इन्फॉर्मेशन मिली थी कि गांव धनवापुर में दो पार्टीज के बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ है, तो मौके पर टीम पहुंची हमारी, राजेंद्र पा की टीम पहुंची और CIA की टीम पहुंची, पता लगा कि दो पक्षों में लड़ाई झगड़ा हुआ है, पथराव भी हुआ है और कुछ लोग घायल भी हुए हैं, घायलों को उपचार के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया, हम फ्यूचर कार्रवाई कर रहे हैं। किन दो पक्षों के बीच में और क्या इसके पीछे प्रारंभिक जांच में कुछ सामने आया कि क्या कारण था? कारण तो अभी इनकी फैमिली डिस्प्यूट है, पुरंजित शर्मा जी आपस में, ये यहाँ धनवापुर के लोकल फैमिलीज ही हैं जिनमें ये डिस्प्यूट हुआ है। जो पार्षद और एक उसके भाई जो कि सुनील तोता का भी नाम आ रहा है, क्या उनके ऊपर कोई इन्वॉल्वमेंट अभी? जी जो अभी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में आया कि नवीन पार्षद है यहाँ के और उनका भाई सुनील है उर्फ तोता, उनकी इन्वॉल्वमेंट में भी शक है हमें। आपको बता दें कि धनवापुर गांव के दो परिवारों में पुरानी रंजिश के चलते ये झगड़ा शुरू हुआ और झगड़ा इतना बढ़ गया कि दोनों गुट एक दूसरे की जान लेने पर उतारू हो गए। इस दौरान आधा दर्जन से ज्यादा गाड़ियां डैमेज हो गई। गाड़ियों की हालत दहशत की दास्ता बयां कर रही है। पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए गुरुग्राम पुलिस ने पूरे गांव को छावनी में तब्दील कर दिया और सबूत जुटाने में जुट गई। मगर गांव में तनाव अभी भी बरकरार है। वहीं गुरुग्राम पुलिस की एक दर्जन से ज्यादा गाड़ियां और सैकड़ों पुलिस कर्मी गांव में पहरा दे रहे हैं। पंजाब के CCTV के लिए गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ की रिपोर्ट।